अगले कुछ महीनों में सिस्टम और परफेक्ट होगा। दोस्तों, घड़ी की सुइयों का हमसे तकाजा यह है कि प्रोग्राम को खात्मे की तरफ ले जाया जाए। मैं अपने तीनों मेहमानों से एक आखिरी कमेंट चाहूंगा। आइए शुरू करते हैं अब्दुल रहमान भाई से। मेरी सभी लोगों से अपील ये है कि सबसे पहले तो अपने पड़ोस के लोगों के साथ उनकी जिंदगियों के लिए अपने दिलों में प्यार पैदा कीजिएगा। उनका एहसास रखिएगा कि उनको तकलीफ होने से आपको उनकी तकलीफ का एहसास कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल में अगर एहसास आपको होगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी अहमियत है बचाने के लिए, उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी कितनी अच्छी तरीके से चल सकती है, ये बहुत अच्छा काम होगा। और लिव फॉर अदर्स, यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी। दिस इज माई अपील टुवर्ड्स द पीपल। सैयद खालिद भाई, मैं हमारे इस प्रोग्राम के सारे नाज़रीन को ये अपील करता हूँ, ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं, कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन का हिस्सा बने। और सिर्फ बातों से काम नहीं बनने वाला। हम सब जानते हैं कि एक जान को बचाया तो ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया, लेकिन क्या हम गियर्ड अप है जान को बचाने में? क्या हमारे पास कोई ट्रेनिंग है? तो ये जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग की बात हो रही थी, ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग हमें हासिल करनी चाहिए। बल्कि मैं इनक्रेज करूँगा सारे ऐसे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी सेंटर्स, इस्लामिक सेंटर्स, मसाजिद भी, कि वो ऐसी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करें कि कैसे एक जान बचा सकते हैं। और रोड सेफ्टी का ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से है। हम सबको चाहिए कि अपने सजेशंस पास ऑन करें। मैं समझता हूँ कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमारा हिंदी कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई चीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये नो पार्किंग लगाई गई है, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, अपने सजेशंस को पास ऑन करें, लेकिन उन रूल्स को तोड़े ना। और कोई इसमें बहादुरी नहीं है कि फास्ट स्पीड जा रही है और उसमें कोई हाथ दिखा करके चले जाए और बोले कि मैं तो क्रॉस कर लिया, तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जान भी अमानत है। लोग बोलते हैं ना मेरी जान है, वो मेरी जान मेरी नहीं है, वो मेरी जान भी अल्लाह की दी हुई अमानत है। क़यामत के दिन हमें अल्लाह को जवाब देना है कि इस जान के ताल्लुक से, इस जिस्म के ताल्लुक से, जिस्म के पार्ट्स के ताल्लुक से हमने उसका क्या ख्याल रखा था। उसी तरह किसी और की जान के ताल्लुक से भी हमें संभालना है, पूरा एहतियात बरतना है। दुनिया में हो सकता है कि इंसान बच जाएगा, दुनिया में हो सकता है वो कुछ करप्शन करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएगा, या हिट एंड रन एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई उसे देखेगा नहीं अगर कैमरा वगैरह नहीं लगा हो, जो कई बार नहीं लगा होता है। लेकिन अल्लाह के पास हर चीज़ का पूरा के पूरा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से कोई इंसान बच नहीं सकता है। उसे अपने किए हुए का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्या अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा? क्या बुरों को बुराई की सज़ा नहीं मिलेगी? तो हम ये बात को याद रखें कि एक दिन आने वाला है जिस दिन ये फाइंस एंड पेनल्टीज नहीं, जिस दिन अल्लाह ताला के पास से सेटिंग करके बचने का कोई तरीका नहीं होगा, जिस दिन हमें पूरा पूरा बदला मिलेगा अपने काम का। अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किए तो उसकी सजा से बच नहीं सकते। अच्छाई का बदला अच्छा मिलेगा, बुराई का बदला बुरा मिलेगा। कैसर खालिद भाई, आपका मैसेज? मुझे लगता है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होनी चाहिए, ये बहुत अहम है। हमारा पूरा का पूरा फोकस और कंसंट्रेशन दूसरे को सुधारने के लिए होता है, दूसरे में बदलाव लाने के लिए होता है, हम खुद को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम जब किसी पे उंगली यूं करते हैं तो तीन उंगलियां अपने तरफ इशारा करती हैं। जिस दिन हमने खुद को सुधारने की कोशिश शुरू की, माशरा, समाज और मुल्क अपने आप सुधर जाएगा। और एक आखिरी है, देयर इज़ नो राइट विदाउट ड्यूटी। ये इस्लाम का भी कंसेप्ट है, ये मुल्क का कानून भी कहता है। हम इस बात को अपने ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बना लें। हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे, हमारे हकूक हमको खुद मिल जाएंगे, चाहे वो रोड पे हो चाहे रोड के बाहर हो। रोड सेफ्टी बुनियादी तौर से यही है। दोस्तों, प्रोग्राम अपनी इंतहा को पहुंचा चाहता है, और जो सारे डिस्कशन से बात निकल के सामने आती है वो ये है कि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ उठ रही होती हैं। सुधार की शुरुआत, तरक्की की शुरुआत दूसरे के घर से नहीं, अपने घर से होती है। जिस दिन आप सुधर जाएंगे, जिस दिन आप तरक्की कर जाएंगे, आपका मुआशरा, आपका समाज और आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। दोस्तों, सड़क पे एक्सीडेंट में मरने वाला या जख्मी होने वाला इंसान किसी ना किसी का भाई, किसी ना किसी का बेटा, किसी ना किसी की बेटी, किसी ना किसी की बहन, किसी ना किसी की माँ या किसी ना किसी का बाप होता है। और वो बाप, वो बहन, वो भाई, वो बच्चा खुदा ना करे कि आपका हो। ख्याल रखिए, क्योंकि एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी में बैठे हुए आप हो सकते हैं, किसी भी दिन आप हो सकते हैं। याद रखिए कि एक्सीडेंट में मरने वाले भी आप हैं, मारने वाले भी आप हैं। जब तक आप इस मरने और मारने के दरमियान अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, अपने समाज को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक किसी बेहतरी की कोई उम्मीद आप किसी दूसरे से नहीं कर सकते। नाज़रीन, किसी मशहूर शायर के शेर के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हमने हालात के माथे पे शिकन देखी है, खुदा करे
حالات کے ماتھے کی اس شکن کو آپ بھی دیکھ لیں. خدا کرے ہماری سڑکوں پہ ہونے والی یہ موتیں، یہ حادثے، یہ زخمی لوگ کم ہو جائیں اور حتیٰ کہ ختم ہو جائیں. ہم سیف ڈرائیو کریں، سیف رہیں.